नमस्कार दोस्तों, अनूप स्टडी जोन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है एक मार्च का करंट अफेयर्स उसको एमसीक्यू के रूप में देखेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 1 मार्च। हर वर्ष 1 मार्च को जो है शून्य भेदभाव दिवस या जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है। इस वर्ष की जो थीम थी वह थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। इस वर्ष की थीम क्या है? जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स। और जो है इस बार जो शून्य भेदभाव दिवस का जो है प्रतीक चुना गया है तितली को। इस प्रतीक के माध्यम से इस प्रतीक का जो उपयोग होगा लोगों द्वारा भेदभाव को समाप्त करने और सकारात्मक परिवर्तन की दिशा में काम करने के प्रयासों के रूप में अपनी कहानियों और तस्वीरों को जो है साझा करने के लिए इस प्रतीक का प्रयोग किया जाएगा। बात करें शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत की, तो इसकी शुरुआत 1 मार्च 2014 से जो है यूएन एड्स के कार्यकारी निदेशक द्वारा शुरू की गई थी। अगर बात करें यूएन एड्स की, तो यूएन एड्स की जो है स्थापना जो है 26 जुलाई 1994 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा में है, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट, आईसीजीएस वरद क्या है? तो आईसीजीएस वरद है अपतटीय गश्ती पोत, यानी ऑप्शन बी इसका सही है, अपतटीय गश्ती पोत। केंद्रीय जहाज रानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने जो है चेन्नई पोर्ट पर आयोजित एक फंक्शन में भारतीय तटरक्षक बल के जो है अपतटीय गश्ती पोत इस आईसीजीएस वरद का जो है इसको कमीशन किया। इसमें जो है कुल 2100 टन का भार सहन करने की क्षमता है। इसका निर्माण जो है भारत सरकार के मेक इन इंडिया के विजन के तहत स्वदेशी रूप से LNT यानी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के द्वारा किया गया है। बात करें भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक की, तो वह है किशोर स्वामी नटराजन। नेक्स्ट, हाल ही में HDFC बैंक ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? तो इसका सही उत्तर होगा इंडिगो, यानी ऑप्शन सी। HDFC ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए देश की जो सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है इंडिगो, उसके साथ हाथ मिलाया है। यह प्रभावी रूप से क्रेडिट कार्ड वाहक जो क्रेडिट कार्ड के धारक होंगे उनके लिए एक लॉयल्टी कार्यक्रम की तरह काम करेगा। इस क्रेडिट कार्ड के ग्राहक जो होंगे एक्टिवेशन जो है इनके इस क्रेडिट कार्ड के एक्टिवेशन पर वेरियंट के अनुसार मिलेगा। इनको 1500 से 3000 रुपये के बीच कम्प्लीमेंट्री एयर टिकट उस पर प्राप्त कर सकते हैं। और बात करें HDFC की, तो HDFC का जो हेडक्वार्टर है वह है मुंबई में और HDFC के जो प्रबंध निदेशक हैं वह है आदित्य पुरी। नेक्स्ट, वेनेजुएला गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा अभिषेक सिंह, यानी ऑप्शन ए। वेनेजुएला गणराज्य के जो राजदूत बने हैं वे अभिषेक सिंह बने हैं और इनका जो यह इनकी नियुक्ति हुई है राजीव कुमार नपल के स्थान पे की गई है। यानी वेनेजुएला का पहले जो राजदूत थे राजीव कुमार नपल थे, अब उनके स्थान पर अभिषेक सिंह की जो है नियुक्ति की गई है। बात करें अन्य ऑप्शन की, तो जावेद अशरफ जो है इन्हें फ्रांस का जो है राजदूत नियुक्त किया गया है और विनय मोहन क्वात्रा को नेपाल का। और बात करें वेनेजुएला गणराज्य की, तो इसकी राजधानी है काराकस और यहाँ की मुद्रा है पेट्रो, या ऑप्शन में बोलीवर भी आ सकता है, दोनों मुद्राएं यहाँ की है पेट्रो या बोलीवर। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जुआन जेराडो गुआडो मार्केज, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं जुआन मार्केज। नेक्स्ट, स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा जादव पायेंग, यानी ऑप्शन सी। जादव पायेंग को जो है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है माई होम इंडिया के द्वारा दिया जाता है। कर्मयोगी पुरस्कार माई होम
इंडिया के द्वारा दिया जाता है। यह पुरस्कार जो है उन लोगों को दिया जाता है जो पूर्वोत्तर भारत के उन लोगों को दिया जाता है जो अपने जीवन को राष्ट्र को समर्पित कर देते हैं। जादव पायेंग को जो यह पुरस्कार दिया गया है उनको इनको यह पुरस्कार बड़े पैमाने पर वनीकरण के माध्यम से एक वास्तविक मानव निर्मित जंगल बनाने के मनाने में उनके निरंतर प्रयासों के लिए जो है यह पुरस्कार दिया गया है। इनको जादव पायेंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने स्कूलों और कॉलेजों में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा केरल उच्च न्यायालय ने, यानी ऑप्शन सी। केरल उच्च न्यायालय ने स्कूलों और कॉलेजों में सभी प्रकार के जो हड़ताल हैं उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, चाहे वह घेराव हो या परिसर में बैठना। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसे विरोध प्रदर्शनों में भाग लेने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत ने कहा कि शिक्षा का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है और किसी को भी उस अधिकार का जो है उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। बात करें केरल की राजधानी, केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के सीएम हैं पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। आरिफ मोहम्मद खान। कृषि और फार्मा उत्पादों के प्रसंस्करण और भंडारण के लिए दुनिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन को किस एयरपोर्ट ने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर होगा मुंबई एयरपोर्ट, यानी ऑप्शन डी। मुंबई एयरपोर्ट ने जो है एक्सपोर्ट कोल्ड जोन को जो है सबसे बड़े एयरपोर्ट आधारित तापमान नियंत्रित सुविधा एक्सपोर्ट कोल्ड जोन को जो है लॉन्च किया है। देश में फार्मा और कृषि उत्पादों की आवाजाही के लिए मुंबई हवाई अड्डा सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यहाँ से 60 एयरलाइनों के माध्यम से लगभग 175 देशों में 500 से अधिक जो है कार्गो गंतव्यों को जोड़ा जाता है। बात करें मुंबई हवाई अड्डे की, तो मुंबई हवाई अड्डा देश का पहला और एशिया में तीसरा जो है ऐसा हवाई अड्डा है जिसको IATA CEIV फार्मा प्रत्यानयन प्राप्त करने वाला जो हवाई अड्डा जो है ITA CEIV फार्मा ये एक्रीडिएशन प्रत्यानयन मतलब एक प्रमाण पत्र होता है जो एक मतलब वैश्विक उद्योग के द्वारा मान्यता दी जाती है जो दवा निर्माताओं की आवश्यकताओं को पूर्ण अनुपालन करती हैं उन एयरपोर्ट को जो है यह जो है प्रमाण पत्र दिया जाता है। तो यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला मुंबई एयरपोर्ट जो है देश का पहला एयरपोर्ट है और एशिया में तीसरा एयरपोर्ट है। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी पहली चलती फिरती खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है गुवाहाटी, आसनसोल, डिब्रूगढ़, भुवनेश्वर। तो इसका सही उत्तर होगा आसनसोल रेलवे स्टेशन। आसनसोल रेलवे स्टेशन पश्चिम बंगाल में है। भारतीय रेलवे ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया में अपनी पहली चलती फिरती जो है खान पान सेवा रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया है। इस रेस्तरां का जो है लाभ यात्रियों सहित आम नागरिक भी उठा पाएंगे। इसका जो शुरुआत हो चुकी है वहाँ पे परिचालन में 2 मेमू थे, उन मेमू के कोचों का नवीनीकरण करके इसको विकसित किया गया है। इस प्रयास से न केवल आसनसोल स्टेशन पर सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी बल्कि आने वाले अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वर्षों में 5 वर्षों में लगभग 50 लाख रुपए की जो गैर किराया राजस्व आय होने की भी उम्मीद है। और क्या नाम है, इसका उद्घाटन किया था बाबुल सुप्रियो। बाबुल सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो जो हैं क्या नाम है यहाँ आसनसोल से सांसद हैं, तो ये भी याद रख लीजिएगा। बाबुल सुप्रियो जो है आसनसोल से सांसद हैं। और अगर बात करें केंद्रीय रेल मंत्री की, तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश, यानी ऑप्शन सी। मध्य प्रदेश में जो खरगोन जिला के एक कसरावद में इस अनूठे मिर्ची महोत्सव का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के निमाड़ और मालवा क्षेत्र में जो है, निमाड़ और मालवा 2 क्षेत्र हैं, निमाड़ मालवा, इनमें क्या नाम है मिर्ची के सबसे ज़्यादा उत्पादक जो क्षेत्र हैं। निमाड़ी मिर्ची तो फेमस भी है। इन इलाकों के जो लाल मिर्च हैं वो चीन, पाकिस्तान, मलेशिया, सऊदी अरब जैसे देशों को निर्यात भी किया जाता है।
बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मध्य प्रदेश के जो सीएम है कमलनाथ, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं लालजी टंडन। यहाँ पे लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो लोकसभा सीट हैं 29 और विधानसभा सीट यहाँ की है 231। और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जो है जबलपुर में है और इसका खंडपीठ जो है इंदौर और ग्वालियर में है। और इंदौर अगर राजधानी भोपाल है लेकिन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है इंदौर है। और यहाँ पे जो है पंचमढ़ी जीव संरक्षण क्षेत्र है, पंचमढ़ी जो है जीव संरक्षण क्षेत्र मध्य प्रदेश में ही है। इसे जो है 2009 में यूनेस्को में शामिल भी किया गया था। और अन्य जो राष्ट्रीय उद्यानों की बात करें तो यहाँ पे कान्हा, बांधवगढ़, पेंच, माधव, सतपुड़ा आदि जो है प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा कोटा। जो हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं उनका जो है कोटा जो है निर्वाचन क्षेत्र भी कोटा ही है, और कोटा से ही इन्होंने जो है सुपोषित माँ अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान जो है गर्भवती महिलाओं और किशोरियों को पोषण संबंधी जो है सहायता प्रदान करने और उन्हें स्वस्थ रखने के लिए शुरू किया गया है। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर है और वहाँ के सीएम हैं अशोक गहलोत, जबकि राज्यपाल जो हैं कलराज मिश्र। और यहाँ पे जो है राजस्थान में लोकसभा सीटों की संख्या जो है 25, राज्यसभा की जो सीटों की संख्या है 10 और विधानसभा में 200 सीटें हैं। और अन्य जो फैक्ट बात करें राजस्थान की, तो रणथंभौर, सरिस्का बाघ अभयारण्य, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये जो हैं यहीं पे राजस्थान में ही हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पक्षियों के लिए फेमस है और इसको 1985 में यूनेस्को में भी शामिल किया गया था। प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंडी भी जो दिलवाड़ा मंदिर है वो अभी राजस्थान में ही है, माउंट आबू के पास, जो माउंट आबू किसकी पर्वत, माउंट आबू जो है अरावली शैली में स्थित है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी चैनल को करें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे जो भी हम अन्य वीडियो बनाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहले पहुँचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय।